وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ असल आप लोग खैरियत से हैं। देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम وقد اتفق اهل العلم على ان هذا الشرط المذكور في الايه لا مفهوم له اهل العلم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس ایت کے اندر شرط مذکور ہے اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے ایت کے اندر شرط کہاں وان خفتم اللہ وان شرط ہے نا وان خف अगर तुम्हें अंदेशा हो अगर तुम्हें डर हो अगर तुम्हें डर हो कि यतीमा के सिलसिले में इंसाफ नहीं कर सकते हो ये शर्त है ना जी जी शेर जवाब क्या है इसका जवाब कहाँ है शर्त फन के फन के हो माताबा लकुम मिनन निसा अगर डर हो अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो यतीमा के साथ तो शादी करो है ना क्या मतलब है इसका अगर इसका मफ़हूम मुखालिफ क्या निकलेगा अगर डर ना हो तो शादी ना करो अगर डर ना हो तो शादी नहीं कर सकते हो दो दो तीन तीन चार चार यही मफ़हूम निकल रहा है ना यही मफ़हूम निकल रहा है कि अगर तुम्हें डर ना हो तो फिर दो दो या तीन तीन या चार चार शादी नहीं कर सकते हो इसी शर्त के बारे में साहिब किताब बयान कर रहे हैं कि वक़्त इत्तफ़क अहल इल्म अला अन्न हाज़ा शर्त अल मज़कूर फ़ी अल आयत ला मफ़हूम लहू कि इस आयत के अंदर जो शर्त मज़कूर है इस पर उलमा का इत्तफाक है अहल इल्म का इत्तिफाक है कि इसका कोई मफहूम नहीं है ला मफहूम लहु इन इस शर्त का कोई मफहूम नहीं है यानी इसके माना का इसके मफहूम का कोई एतबार नहीं है कि यहाँ एतबार किया जाए अगर एतबार किया जाए या अगर इसका मफहूम लेंगे मफहूम खारिब तो इसका मतलब निकलेगा कि वो किसी और औरतों से शादी नहीं कर सकता है इसलिए कहा अन्नहु यजूदु मफ़हूम नहीं है इसलिए कहाजूद कि जायज है लिमन उस शख्स के लिए लम यखब जिसे अंदेशा ना हो डर ना हो आयुक से तफिल यतामा कि वो यतीमा के सिले में इंसाफ करे यानी उसके लिए भी जायज है जो यतीमा के सिले में इंसाफ करने में ना डरता हो खौफ ना हो आयन के अक्सर मिन वाहिदतिन कि वो एक से ज्यादा शादी करे दोनों के लिए जायज जिससे अंदेशा हो खौफ हो वो भी चार शादी कर सकता है तीन शादी कर सकता है दो शादी कर सकता है और जिससे डर ना हो वो भी एक से ज्यादा दो या तीन या चार शादी कर सकता है क्यों इसलिए कि आयत के अंदर जो शर्त है इसका कोई मफहूम नहीं है ये अमर वाक़े को बयान करने के लाया गया है क्योंकि जमाने जाहिलियत में ऐसे ही क्या कहते हैं ये वाक़या था इस अम्र को बयान करने के लिए शर्त का जिक्र किया गया है वरना शर्त का यहाँ कोई माना नहीं है वादे है ये बात समझ में आ रही है जी वादा मिसाल तो मैं आपको इसी सूरह निसा के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे चल करके आयत कैसी है आयत पढ़िए आगे सूरह निसा की है कैसे है वो لا تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة أصل ما هي يا أصل جو محل مقصود استشهاد ہے لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها क्या माना है शायद क्या कि तुम औरतों का जबरदस्ती वारिस नहीं बन सकते तुम्हारे लिए हलाल नहीं है तुम्हारे लिए जायज नहीं है जबरदस्ती वारिस बन सको
असल में ये महाशानद में पढ़ेंगे कि जब किसी का इंतकाल होता था और उसकी जो बीवी होती थी तो लोग उसका जबरदस्ती वारिस बन जाते थे, चाहे उसका क्या कहते हैं हम बेटा ही क्यों ना हो, बेटा मतलब दूसरी दूसरी बीवी से, जिसे सौती सौतीली माँ है, तो सौतीली माँ का जबरदस्ती वारिस बन जाता था, उससे शादी कर लेता था। ये पश्चिमंदर है इसका। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जबरदस्ती तुम वारिस नहीं बन सकते हो। इसका मतलब है कि औरत अगर राजी हो जाए तो वारिस बन सकते हो जी, अगर औरत राजी हो तैयार हो जाए तो क्या वारिस बन सकता है? नहीं सर, ऐसे कैसे वारिस हो जाएंगे, क्या वही वारिस होगा? तो फिर कहन क्यों अल्लाह ताला ने कहा है? तो यहाँ भी वही है कि यहाँ कहन का कोई मफहूम नहीं है, इस तरीके से यहाँ शर्त का कोई मफहूम नहीं है, करहन का भी यहाँ कोई मफहूम नहीं है। ये अमर वाकिफ था जमाने जाहिलियत में, कि जमाने जाहिलियत में इसी तरीके से लोग वारिस बन जाते थे, बाप का इंतकाल होता था, सौतले माँ का वारिस बन जाता था, उससे शादी कर लेता था। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर माँ सौतले माँ तैयार हो जाए, राजी हो जाए, तो क्या ये जायज है? कतान ये जायज नहीं है, क्योंकि शरीयत ने हराम कर दिया। औला तन के वो माँ ने कहा आबाओकुम। यहाँ भी वही है कि सर करहन लफ्ज का कोई मफहूम नहीं है, अमरे वाक्य को बयान करने के लिए लाया गया है। तो यहाँ भी इस आयत के अंदर वाइनशिफ्ट जो शर्त है, इसका शिफ्ट शर्त का कोई मफहूम नहीं है, वाक्य को बयान करने के लिए लाया गया है जी। वमिन फी कौलिही मिनन निसाए, यानी कहा है फन कहु माता वलकुम मिनन निसा। मिन कैसा है? मिन कैसा है? कहते हैं कि मिनन निसा में इम्मा बयानिया, तुम या तो बयानिया है या बयानिया है, यानी फन को माता बा माँ का बयान है कि किससे शादी करना है, औरतों से शादी करना है। तो मिन क्या है? बयानिया है। औ तबईद है, या तबईद के लिए है। क्या मतलब है तबईद के लिए? जाहिर बात है तमाम औरतों से शादी जायज नहीं है। आप यहाँ एक चीज बता लिया, मुराद गैर लेता है, क्योंकि यहाँ औरतों से जो मुराद है यतीमे के अलावा है, क्योंकि औरतों से मुराद यतीमे के अलावा है, तो गोया के मीन तबीज के लिए है। और दूसरी बात यह है कि तमाम औरतें हलाल भी नहीं है, इस एतबार से भी क्या है? मीन तबीजिया है। मीन यहाँ दो एतबार से तबीजिया कह सकते हैं। एक एतबार से कि यहाँ यतीमा के अलावा मुराद है निसा जो है निसा, हालांकि निसा के अंदर यतीमात भी दाखिल हैं, निसा के अंदर यतीमात भी दाखिल हैं, लेकिन यहाँ यतीमा मुराद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हर औरत आपके लिए, हर निसा क्या आपके लिए हलाल भी नहीं है, तो इस एतबार से भी मिन तबईदिया है। या तो आप इसको बयानिया माने या तबईदिया माने। قوله تعالى مثنى وثلاثة وربعا في محل نسب على البدل من ما। अब यहाँ साहब किताब मसना सलासा रुबा का इराब बयान कर रहे हैं, मसना सलासा रुबा का इराब बयान कर रहे हैं कि किस हालत में है ये। तो कहते हैं कि फी महल नसब, हालत नसब में है। क्यों हालत नसब में है? इसलिए कि ये माँ से बदल वाक्य है, माँ से बदल वाक्य। कौन सा माँ? फन कहू माँ ताबालकुम, तो जो फन कहू में माँ है उससे बदल है। और माँ किस हालत में है? नसब हालत में, हालत क्यों? इसलिए कि वो मफूल है, नसब क्या हालत में है, तो बदल अब बदल मिनो का इराब क्या होता है? सेम होता है, सेम एक होता है जी। कमा कालहु अबू अली अल-फारसी, जैसा कि अबू अली फारसी ने कहा है कि ये महल नसब में है। अबू अली फारसी बहुत बड़े नहवी गुजरे हैं, अबू अली फारसी बहुत बड़े नहवी हैं, हाँ, तो उन्होंने कहा है कि ये बदल वाक़े है, माँ की बुनियाद माँ से बदल है, और माँ जो है ये मनसूब नसब की हालत में से लेकर मफूल है जी। एक अबू अली अल-जुबानी है, मुतज़िली है, मुतज़िली अबू अली अल-जुबाई
नहीं ये कोई उस हो सकता वही हूँ ले अकीदा के बारे में बस मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये एक बहुत बड़े नबी हैं, मुतदली हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत पाए के ये नबी थे। वकीला अल हाल, और दूसरा इराब ये बयान किया है कि ये हाल की बुनियाद पर मंसूब है, हाल की बुनियाद पर मंसूब है। यानी कैसे मानेंगे, इस हाल में कोई औरत दो हो, दो दो हो, या तीन तीन हो, या चार चार हो, तो मसला व सलासा रुबा का ये राब दो इराब बयान किया गया। ये किया कि नसब की हालत में है क्योंकि माँ से बदल वाक्य है, और दूसरा इराब उसका ये है कि ये हाल वाक्य है। उसके बाद फिर साहिब किताब कहते हैं मसला सलासा और रुबा के बारे में कि अल्फाज क्या है, मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है। कहते हैं वहादिह अल्फाज ला तनसरिफ, यहादिह अल्फाज ला तनसरिफ, ये अल्फाज क्या है, गैर मुनसरिफ है। क्यों, सबब क्या है, लिल अदल वल वस्फियत, अदल और वस्फियत की बुनियाद पर, वस्फ की बुनियाद पर ये क्या है, गैर मुनसरिफ है। आप पढ़ चुके हैं ये नहू की बहस है कि नौ असबाब हैं, असबाब मनसब कितने हैं, नौ हैं, उनमें से अदल और वस्फ, यानी कम से कम दो वस्फ का पाया जाना, दो सबब का पाया जाना जरूरी है। तो यहाँ जो मसना व सलास और रुबा है इसके अंदर दो सबब क्या है, एक अदल है और दूसरा वस्फ है, कमा हुआ मुबैन फी इल्म नहु, जैसा कि इल्म नहु के अंदर इसकी तफसील मौजूद है। वल असल, असल इबारत क्या है, जब ये अदल है तो असल इबारत क्या है, असल इबारत है फन के इन के हो माता वलकुम मिन निसाए इसनतैन इसनतैन व सलासन व सलासन व अरबअन व अरबअन, ये असल इबारत है के इसनतैन इसनतैन सलासन सलासन अरबअन अरबअन, लेकिन इसको अदुल कर लिया गया है और कहा गया मसना व सलासा व रुबा। तो एक सिफत जो है, एक सबब जो है वो क्या है, अदल है। असल इबारत क्या थी, मसना की असल इबारत थी इसनतैन इसनतैन, सलासा की असल इबारत थी सलासन सलासन, और रुबा की असल इबारत थी अरबान अरबान। इसे अदल करके मसना व सलासा व रुबा कहा गया है। तो ये अदल वादे हैं कि अदल एक से, अदल किसे कहते हैं, नौ के इस्तेलाम में अदल किसे कहते हैं, कोई एक कलमा है वो बदल कलमा की शक्ल इख्तियार कर ले, अरबी में कोई कलमा जो बदल करके दूसरे कलमे की शक्ल इख्तियार कर ले, उसकी जो असल वजन है बिना है उस बिना से हट करके है ना कोई दूसरा, हाँ दूसरे शक्ल इख्तियार कर ले, उसे अदल कहा जाता है। जैसे कि इसका इसनतन इसनतन है, तो इससे हट करके एक नई शक्ल इसकी तैयार हुई है मसना, सलासन सलासन से नई शक्ल है सलासा, उसी तरीके से रुबा है। तो ये अदल है, अदूल है। और दूसरा सबब क्या है, वस्फियत। वस्फियत कैसे कहेंगे कि ये मसना और सलासा रुबा ये वस्फ है, जी ये वस्फ है, ये अदल है, जी शेख ये वस्फ हो जाएगा ना, जी वस्फ भी होगा शेख, वस्फ हो सकता है, ये वस्फ है। गोया के जिस मिसाल के तौर पर मर्रबी निसाउन मसना, मर्रबी निसाउन मसना, तो मसना गोया के ये निसा की सिफत है, वस्फ है, इसका ना वस्फ का माना पाया जाता है, वस्फ का माना इसे पाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ गैर मुनसरिफ होने के अजबाब में से दो सबब, एक अदल और दूसरा वस्फ। उसके बाद साहब किताब फरमाते हैं अल खिताब फी कौलिहि व इन खिफ्तुम अल्ला तुख्सितु व इन कान लिल जमी फहु बिमंज़िलति अल खिताब लिकुल फर्दिन फर्दिन, कहते व इन खिफ्तुम अल्ला तुख्सितु, ये व इन खिफ्तुम जमा का सगा है ना, जी कहते व इन कान लिल जमी, इस आयत के अंदर जो खिताब है गर्चे तमाम लोगों के लिए है, फहुवा बेमंजिलतुल खिताब, लेकिन ये खिताब जो है
हर फर्द के जगह पे है, हर जगह हर फर्द की जगह पे, यानी ये फर्दन फर्दन खिताब है। वाइन खिफ्तुम गर्चे जमा का सेगा है या खिताब जमा के लिए है या तमाम लोग के लिए है, लेकिन ये खिताब जो है फर्दन फर्दन खिताब है, हर एक को फर्दन फर्दन कहा गया है कि अगर तुम्हें यतीमा के सिलसिले में अंदेशा हो, डर हो, खौफ हो, तो दूसरी औरतों से शादी कर लो, दो दो की शक्ल में, चार चार की शक्ल में या तीन तीन की शक्ल में। तो गोया कि ये हर फर्द के, हर फर्द से खिताब है। दलील क्या दे रहे हैं? जो वाइन खेब तुम अल्लाह तुक से, तो गर्ची जमा के लिए है, गर्ची खिताब क्या है, जमा के लिए है, लेकिन यहाँ जमी से मुराद जमा कल मान सकते हैं, जमा का सेगा है, लेकिन ये खिताब हर फर्द के जगह में है। दलील वो युअय्यद कौल तआला, और इसकी ताइद होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के कौल, फाइन खेब तुम अल्लाह तआदिलू फवाहिदतन, तुम ये जमा है कि वाहिद है? जमा, खिताब जमा के लिए है या वाहिद के लिए है? जमा के लिए है। अच्छा, जमा के लिए है। अल्लाह ताला ने कहा कि फाइन खुब तुम, अगर तुमने डर हो तो किस कितने से शादी करो, एक से वाहिद रतन। अगर खिताब आप जमा के लिए मानेंगे तो एक और से कितने लोग शादी करेंगे? सारे लोगों को मुखातब करके कहा गया है ना से, क्योंकि मर्दी की शादी करते हैं। ये किस जमा के माने में है कि फर्दन फर्दन के माने में है? ये फर्दन फर्दन के माने में होगा। जी हाँ, तो वही बताना मकसूद है कि यहाँ गर्चे जमा का सेगा है, जमा का खिताब है, लेकिन ये फर्दन फर्दन है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कौल में फाइन खिब्तुम अल्लाह ताअजलु फवाहिदतन, गर्चे फाइन खिब्तुम जमा का सेगा है, जमा का खिताब है, लेकिन मुराद क्या है? फर्दन फर्दन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आगे फरमाया है फवाहिदतन, अगर तुम्हें डर मंदेशा हो तो एक से शादी करो। अगर हम यहाँ जमा जो है जमा के माने में मानेंगे तो ये माना गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि शरीयत में एक औरत से कई मर्द शादी नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरीके से इस आयत के अंदर जमा बोल करके फर्दन फर्दन मुराद है, वैसे ही वह इन खिब्तुम अल्लाह तुकसे, तो गर्चे जमा का सेगा है, लेकिन खिताब क्या है? फर्दन फर्दन है। तो बात वादे हैं जी सर। अब आगे आइए कि इसी आयत से मसना व सुलास और बाद से बाद लोगों ने, यानी शिया लोगों ने इस्तलाल किया है कि बैक वक्त नौ शादी कर सकते हैं। एक वक्त कितनी शादी कर सकते हैं? नौ शादी, नौ औरतों से शादी कर सकते हैं। वो अम्मा इस्तिदलाल मन इस्तदल बिल आयत अला जवाद ने कहा है तिसे बे एतिबार अल वाव अल जामिया, और रहा उन लोगों का इस्तिदलाल जिन्होंने इस आयत से इस्तिदलाल किया है कि नौ औरतों से शादी करना जायज है, क्योंकि यहाँ वाव जो है वाव जामिया है, वाव जामिया के एतबार से उन्होंने इस्तलाल किया है कि नौ औरतों से शादी कर सकते, वाव जामिया यानी जमा कर दिया गया है। मसना व सुलासा कितने हुए? मसना दो और सुलासा तीन, कितने हो गए? पांच, और रुबा और चार, नौ। गोया कि यहाँ वाव जामिया है, इसलिए यहाँ ये मसला निकलता है कि नौ औरतों से शादी कर सकती हैं। यह शिया लोगों का इस्तलाल है, उसका जवाब दे रहे हैं साहिब किताब, यह इस्तलाल सही नहीं है। अम्मा इस्तलाल, और रहा उन लोगों का इस्तलाल जिन्होंने इस्तलाल किया है विलायत इस आयत के जरिए से, हाँ किस बात पर? आला जवाब ने कहा है तिससे कि नौ औरतों से शादी करना जायज है बेतिबार वाव अल जामिया, वाव जामिया के एतबार से, यानी कि वाव जामिया मान करके इन्होंने ये मसला मस्तमत किया है कि नौ औरतों से शादी करना जायज है। फकअन्नहु قال, वो एक उन्होंने कहा इनके हु मजमूआ हादल अदद अल मजकूर, कि जो अदद मजकूर है उन तमाम से शादी कर लो, जो अदद मजकूर है तमाम से उसके मजमूए से शादी कर लो, यानी नौ औरतों से शादी करो। فهذا جهل بالمعنى العربي, साहिब किताब फरमाते हैं इस इस्तलाल के बारे में
इमाम शौकानी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि फहादा जहलुन बिल माना अरबी, ये अरबी माने में जहालत है, यानी वो शख्स जो इस्तेमाल करता है इस तरह गोया कि अरबी माना से वो जाहिल है, अरबी माना को समझता नहीं है, इसलिए इस तरह का इस्तेमाल उसने किया है। वलौ काल, अगर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं इनकहु सनतैन व सलासन व अरबान कान हादल कौल लहु वजहुन, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल इस तरीके से होता कि इनकहु सनतैन व सलासन व अरबान कान हादल कौल लहु वजहुन, तो इस कौल की एक वजह हो सकती थी कि ना औरतों से शादी करना है, लेकिन यहाँ ये तो नहीं है बल्कि अदल है, अदल किया है, इसलिए ये माना लेना बिल्कुल जहालत है। वो अम्मा माल मजीब सेगतल अदल, बात रही कि सेगा अदल के साथ ये माना मुराद लेना फला, यानी ये जायज नहीं है, फला ही फला यजूद, ये माना मुराद लेना कतन जायज नहीं है अदल के साथ, कि वाव जामे मान करके ये कहा जाए कि नौ औरतों से शादी करना जायज है। अब सवाल पैदा होता है कि फिर अल्लाह ताला ने वाव जामिया का क्यों इस्तेमाल किया, आओ का इस्तेमाल क्यों नहीं, जब अल्लाह ताला ने वाव जामिया का इस्तेमाल क्यों किया, आओ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, उसका जवाब दे रहे हैं साहिब किताब, वइन्नमा जाब सुभानहु व तआला बिल वाव अल जामिया, अल्लाह ताला ने वाव जामिया का इस्तेमाल किया है दून औ, औ के बगैर, औ के अलावा, इन औ का इस्तेमाल नहीं किया है, दून औ ना कि औ का इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला ने वाव का इस्तेमाल किया और औ का इस्तेमाल नहीं किया, क्यों, लान तखीर यानी वाव, लान तखीर, तखीर से मुराद औ, अगर क्योंकि औ अगर लाया जाता इस शेर तो ये एहसास दिलाता है, यानी औ या तखीर एहसास दिलाता है बे अन्नहु ला यजूद, ये जायज नहीं है इल्ला अहदुल आदात अल मज़कूरा, इसमें जो आदत मज़कूर है उनमें से एक ही आदत क्या है जायज है, यानी या तो आपके लिए दो जायज है या तीन जायज है या चार जायज है, हालांकि ये माना मुराद नहीं है, हालांकि ये माना मुराद दूना गए निकले इससे बेमुराद में नज्म कुरान, हालांकि ये नज्म कुरान से यानी जाहिर कुरान से ये माना मुराद नहीं है। अब वाव जामिया को अल्लाह ताला ने क्यों जिक्र किया, औ के क्यों नहीं लाया, ये बात समझ में आ गई कि मैं अल्लाह ताला के इस्तेमाल करते मसना औ सलासा औ रुबा, तो औ अगर लाते तो क्या नुकसान होता, क्या फर्क पड़ता, कोई एक ही कर सकते, उनमें से जो अदल मजबूर है उनमें से एक ही अदल जायज होता, या तो वसला कर या तो दो से शादी करो या फिर तीन से शादी करो या फिर चार से करो, यानी या तो चार जायज है या फिर तीन जायज है या फिर दो जायज है, यानी एक साथ आप कहेंगे कि हम तीनों को मिला करके चार रखेंगे तो नहीं है, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने आओ का इस्तेमाल नहीं किया है, वाओ जामे का इस्तेमाल किया है, इनमें से आपको जो भी आदत पसंद हो, चाहे मसना का आदत या सलासा या रुबा, तीनों आपके लिए क्या है जायज है, दो रखना चाहे दो रखें, तीन रखना चाहे तीन रखें और चार रखना चाहे चार रखें, आपके लिए जायज है, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ वाव का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि ये औ का इस्तेमाल नहीं किया, वाव का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आगे सलासा और रुबा की किरात बयान कर रहे हैं शेख, ये तखीर वाला समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं, सलासा और रुबा इरा बयान कर रहे हैं कि बगैर अलिफ के भी पढ़ा गया है, यानी सलासा और रुबा, सलासा सलासा व रुबा, सलासा ये गलत इरा है, सलासा और रुबा, सलासा व रुबा ये किरात भी पढ़ा गया है, कौन कह रहे हैं एहतिशाम साहब जी, शेख देखिए वाव का इस्तेमाल किया है ना, वाव जामे का इस्तेमाल किया और वाव जामे के जरिए से शिया लोगों ने क्या इस्तेमाल किया है, नौ शादी पे, नौ शादी जायज है, साहिब किताब ने फरमाया कि ये अरबी माने के अंदर जियालत है, यानी वो शख्स अरबी माना को जानता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ अदल का सेगा है,
है ना। अगर ये होता कि सनतैन या सलासन या अरबान होता तो इस तरीके से अगर होता तो वाओ जामिया मान करके नम और फुस शादी जायज करार दे सकते थे, उसकी एक वजह हो सकती थी इस कौल की, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने अदल इस्तेमाल किया है इसलिए यहाँ नौ को हम नहीं कर सकते हैं। आप तीन तीन कर सकते हैं, दो दो कर सकते हैं, चार चार कर सकते हैं। दूसरा मसला ये रहा कि फिर अल्लाह ताला ने वाव का इस्तेमाल किया है, औ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, औ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। आप बताइए कि मान लीजिए तीन चीज है, आप पे इख्तियार दिया जाए, है ना, इख्तियार दिया जाए दो में, एक में दो है, एक में तीन है और एक में चार है, या तो आप इख्तियार कीजिए किसको, दो को। जब दो आप इख्तियार करेंगे आपके लिए तीन और चार जायज नहीं है, तीन और चार जायज नहीं है। आप अगर तीन पे इख्तियार करेंगे तो फिर ऐसी सूरत में आपके लिए दो और चार जायज नहीं है, अगर आप चार पे इख्तियार करते हैं तो इस सूरत में दो और तीन आपके लिए जायज नहीं है। यानी तखीर जो है ये इस बात की तरफ इशारा करता है उनमें से एक ही अदद को आप ले सकते हैं, उनमें से एक ही अदद को आप ले सकते हैं, तीनों को नहीं ले सकते हैं। तो आप किसको लेंगे, कोई एक ही अदद लेंगे, कोई एक ही अदद लेंगे, एक ही अदद के अलावा दूसरे अदद से आप लेंगे नहीं, फिर इसका मतलब है तो जिस अदद को आप लेंगे उसके अलावा वो एक आपके लिए जायज नहीं है। तो ये इस बात से पता चलता औ के जरिए से, हालांकि ये माना कुरान के अंदर नहीं है, हालांकि ये माना या मतलब नज़्म-ए-कुरान यानी ज़ाहिर कुरान से पता नहीं चलता है या नहीं है इसका, तो इसलिए अल्लाह ताला ने औ का इस्तेमाल नहीं किया है। आपके क्या इतराज हो रहा था फिर, तखीर की जहाँ बात की गई है तो इससे लायजूज का मसला नहीं समझ पा रहे हम, हमें इख्तियार हम कोई भी अदद इख्तियार कर ले, इसका मतलब ये थोड़ी कि अगला नाजायज हो जाए दूसरी अदद। किताब ही किताब कह रहे हैं, गोया के इस शेर और इस शेर एहसास दिलाता है, गोया के इश्काल पैदा होता है, इससे इश्काल पैदा हो सकता है कि आप दो इन तीनों में से एक ही अदद आपके लिए जायज है, इन तीनों में से एक ही अदद आपके लिए जायज है, या तो दो या तीन या फिर चार, लेकिन वाव के जरिए से पता चलता है आप या तो दो दो शादी करें या तीन तीन शादी करें या चार चार शादी करें। साहिब किताब की इबारत का मतलब ही है अल्लाह ताला ने औ का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है क्योंकि औ के जरिए से इस बात का पता चलता है या इस बात की तरफ इशारा करता है औ कि उनमें से आपके लिए एक ही अदद जायज है, या तो आप दो को इख्तियार करें या तीन पे इख्तियार करें या चार पे इख्तियार करें। साहिब किताब की इबारत का मतलब यही है कि उनमें से आपके लिए फिर एक ही जायज होगा, एक ही आप कर सकते हैं क्योंकि आपका एक ही है, औ का मतलब है कि या तो ये या तो ये। वो तो बात समझ में आ रही है, या तो ये या तो वो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि ये जायज है तो वो नाजायज हो जाएगा, ये तो बात नहीं समझ पा रहा। जैसे वो शेख जैसे इसमें है ना वो कफारे यमीन वाली आयत में भी तो औ का इस्तेमाल है वहां भी, तो अच्छा ठीक है वहां तो जायज का आप दो, तो क्या अगर आप एक पे इख्तियार करेंगे दूसरे को भी इख्तियार करेंगे वहां एक के साथ, नहीं इख्तियार नहीं करेंगे लेकिन लायजूज नहीं समझ पा रहे हैं शेख, वही लायजूज का थोड़ा ये है कि ऐसा ये बता रहा है कि देखिए जहां कफारा का मसला है जब आप एक एक पे इख्तियार करेंगे दूसरे पे इख्तियार नहीं करेंगे ना जी, तो यहाँ अगर उसी है कि अगर आप औ को मानते हैं तो इसका मतलब ये निकलेगा, साहिब किताब बताना चाहते हैं कि इसका मतलब ये निकलेगा कि जब आप एक पे इख्तियार कर लिए आपने, सिर्फ आप हमारे एक फर्क के इख्तियार से नहीं होता है ना, कि अगर हमने ये मान लिया कि दो जायज है वो एक के बाद तीसरा किसी के लिए जायज ही नहीं है, ऐसा नहीं है के कोई एक इख्तियार करे कोई दो इख्तियार करे कोई चार के इख्तियार करे, वो एक आप जो मफहूम निकालेंगे मिन हैस जुमला तमाम उम्मत के लिए निकालेंगे ना, यहाँ मसलक मुसम्मत करेंगे मिन हैस अल मजमू तमाम उम्मत के लिए तमाम शख्स के लिए ये मसलक मुसम्मत करेंगे, ये नहीं कि आप अपने लिए अपने दो का इख्तियार कर लिया कोई तीसरा का इख्तियार कर लिया कोई चौथा का इख्तियार किया, माना तो ये है असल में मतलब यही है कि कोई दो के इख्तियार करे कोई तीन के इख्तियार करे कोई चार के इख्तियार करे, लेकिन जो आप मफहूम निकालेंगे इस आयत का
कि इनमें से एक को ही लेना, या तो ये या तो ये। आप जब एक को की ताइन कर दी कि इसका मतलब यह है, या तो दो को इख्तियार करें या तीन को या फिर चार को, जिसको आपने इख्तियार किया हो कि दूसरा आपके इख्तियार में वो नहीं है। और ये एहसास दिलाता है, इशारा करता है इस बात की तरफ, ये साहब किताब का इस्तेलाल है और उसकी इबारत का मतलब यही है। बकिया कहें कि हम साहब किताब की इस बात को तस्लीम नहीं करते हैं, तो ये एक अलग बात है कि साहब किताब जो ये फरमाते हैं ये इबारत महल्ले नजर है, ये आप इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि ये इबारत जो है या ये जवाब जो है जवाब महल्ले नजर है। बकिया इबारत का मफहूम समझे, इन्हें समझे नहीं समझे इसमें बताइए। इस इबारत जी आप मफहूम जो बता रहे वो मफहूम तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो साहिब किताब ने जो आपने बात कही इबारत वाली वही थोड़ी ये अलग बात है कि साहिब किताब का जवाब महल नजर है। आप कह सकते हैं वो फी है महल वफी है नजर, वफी है नजर की जवाब काबिल गौर है, ये कह सकते हैं क्योंकि काबिल गौर आप हो सकता है। लेकिन एक चीज हमें समझते हैं, हम भी कह सकते हैं कि ये काबिले क्या नजर है, काबिले गौर है महल नजर है, ये जवाब के जवाब हतमी नहीं समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन एक चीज एक मिनट के लिए अगर हम इख्तियार वहां कफारा वाले बात जाते हैं, जब हम एक एक को इख्तियार कर लें तो फिर दूसरा को हम इख्तियार नहीं करते हैं। तो वैसे ही अगर आप मान के चले कि जब हम यहाँ एक को इख्तियार कर लेंगे तो दूसरा को इख्तियार नहीं करेंगे, बहरहाल इबारत साहिब किताब का मतलब ही है और ये कह सकते हैं कि वफी है, वफी है। आप कोई दूसरा जवाब तलाश कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने वाव जामे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है। पहला जवाब तो साहिब किताब ने दिया है क्योंकि यहाँ अदल है, इसलिए आप वो माना मुराद नहीं ले सकते हैं जी। इसके अलावा आपके ध्यान में और क्यों नहीं लाया गया, कोई जवाब है तो आप बता कि ये जवाब क्या कहते हैं मुमकिन है कि ये जवाब दिया जाए कि अल्लाह ताला ने औ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है, कोई जवाब है जहन में? फिलहाल तो कोई नहीं, फिलहाल नहीं है, इंशाल्लाह कल मुताला करके आएंगे कि और मुफस्सरीन ने इसका क्या जवाब दिया है। लेकिन साहिब इबारत का मतलब यही है, लेकिन जवाब हमें चाहिए दूसरा जो तसल्ली बख्श हो। इंशाल्लाह आप भी देख करके आएंगे, मैं भी कुछ दूसरी तफसीर में देखता हूँ कि दूसरे लोगों ने इसका क्या जवाब दिया। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।